X9 News, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज 5 के तड़का में। जानते हैं आप कि हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम यहाँ पर आपको रूबरू करवाते हैं 5 ऐसी खबरों से जो इन दिनों गॉसिप का काफी ज्यादा ही कारण बनी होती हैं। दरअसल ये तो हर कोई जानता है कि इन दिनों देश भर में एक मुद्दा काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और वो मुद्दा है तनुश्री नाना विवाद। तो वहीं हाल ही में आप देखेंगे कि किस तरह से पिता के सामने ही तनुश्री के साथ ये तमाम चीजें होती दिखाई दी। किन चीजों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, किन खबरों को लेकर हम यहाँ पर आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में और जानिए कि दिन भर की कौन कौन सी 5 बड़ी खबरें इन दिनों सारी लाइमलाइट बटोर रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता जो इन दिनों खबरों का कारण बनी हुई है। हाल ही में ये तो हर कोई जानता है कि तनुश्री ने नाना पर तमाम आरोप लगाए हैं। वहीं हाल ही में तनुश्री की 10 साल पुरानी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें तनुश्री कार के अंदर अपने पिता के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें तनुश्री पीछे बैठी दिखाई दे रही हैं, तो वहीं आगे उनके पिता। कहा जा रहा था कि तनुश्री उनके पिता के सामने ही नाना के बंदों ने कार पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तनुश्री के पिता यहां पर काफी ज्यादा डरे हुए भी दिखाई दे रहे थे। खुद तनुश्री दत्ता अपने इस तमाम घटनाओं के बारे में बताती हुई अक्सर ही दिखाई दे रही हैं, जहां पर अब तनुश्री लीगल एक्शन लेती हुई नाना पाटेकर पर भी दिखाई दे रही है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने नाना के खिलाफ FIR को भी दर्ज करवा दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है, वहीं हर कोई जानता है कि मलाइका इन दिनों अर्जुन संग अपने रिश्ते को लेकर लाइमलाइट बटोरती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में देखा जा रहा है कि अर्जुन ने मलाइका को एक साथ स्पॉट किया, जहां पर इन दोनों की ये तस्वीर जब से सामने आई है तब से फैंस इन्हें बधाई भी दे रहे हैं। आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि यहां पर फैंस भी इन दोनों के रिश्ते पर मोहर लगाते दिखाई दे रहे हैं। एक फैन ने तो यहाँ पर ट्वीट कर ही दिया कि जो रूमर्स आ रहे थे They are dating each other। कहीं ना कहीं यहाँ पर अर्जुन को भी लोग बेस्ट बताते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि काफी लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि अर्जुन और मलाइका एक दूसरे के साथ अक्सर ही स्पॉट किए जाते हैं। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त जरूर बताएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं, हाल ही में कैटरीना की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कैटरीना पानी में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत अंदाज में दिखाई दे रही हैं। बता दें यहां पर सलमान से अकेले ही कैटरीना मस्ती भी कर रही हैं। दरअसल पिछले दौरान सलमान और कैटरीना अबु धाबी में अपनी फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी थे, जिसके चलते ये दोनों मुंबई आ गए। मगर अब लगता है कि जहां पर सलमान यूलिया के साथ मस्ती कर रहे हैं तो वहीं यहां पर कैटरीना अकेले ही मस्ती करती दिखाई दे रही है। जहां पर फैंस अक्सर ही ये डिमांड को रखते हैं, वो चाहते हैं कि सलमान और कैटरीना अक्सर ही एक दूसरे के साथ दिखाई दे, तो मगर ऐसा लगता है कि अब सलमान और कैटरीना की राहें असल में ही बदल चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में कैटरीना बेहद ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, मगर यहाँ पर कैटरीना अकेले ही दिखाई दे रही है।
खबरों का कारण बनी रहती है। हाल ही में सारा को अपनी मां अमृता सिंह के साथ बात ही करते देखा गया, जहां पर सारा बेहद ही ज्यादा खूबसूरत अंदाज में दिखाई दी। मगर वहीं अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारा के फोन में सारा की तस्वीर अपने माँ के साथ नहीं बल्कि किसी और औरत के साथ है। जी हाँ, बता दें, जिसके चलते सारा अली खान इन दिनों काफी ज्यादा ट्रॉल भी हो रही है। जी हाँ, जहाँ पर सारा एक तरफ फोटो को क्लिक करवा रही है तो वहीं अगर उनके फोन में आप गौर करेंगे तो यहाँ पर सारा के फोन में सारा और कोई और दिखाई दे रहा है। अब बता दें कि सारा बेहद ही जल्द फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। वहीं इस फिल्म में सारा जहां पर बेहद ही अनोखे अंदाज में दिखाई देगी और हर कोई उनका इंतजार कर रहा है कि आखिरकार बॉलीवुड में क्या धमाल सारा अली खान मचाएंगी। भास्कर जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं, हाल ही में स्वरा ने अपने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ, ये तो हर कोई जानता है कि स्वरा अक्सर ही ऐसा कुछ बोल जाती हैं जिससे मानो वो खबरों में बन जाती हैं। हाल ही में स्वरा से जब लोगों द्वारा आलोचनाओं से प्रभावित होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में इससे मैं काफी प्रभावित होती थी, मुझे काफी दुख भी होता था, किसी प्रकार से अन्य ऐसा एहसास होता था, बाद में मुझे ये समझ आ गया कि यही जीवन है। अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड में कुछ भी बॉलीवुड एक्ट्रेस बॉलीवुड एक्टर सोशल मीडिया पर कर दें जिसके चलते वो अपने आप ही ट्रॉल भी हो जाते हैं। जी हाँ, जहाँ पर सितारे एक तस्वीर को पोस्ट करते ही ट्रॉलिंग का शिकार हो जाते हैं तो वहीं अब लगता है कि स्वरा भास्कर को इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। जहां हमने आपको तड़क भड़क वाली खबरें दिखाई, जहां आपने जाना कि आखिरकार कौन कौन सी खबरें रही आज पांच के तड़का में नंबर वन पे, नंबर टू पे, नंबर थ्री पे और नंबर फोर और नंबर फाइव पे। वहीं आपको ये भी पता चला जहां पर देश भर में इन दिनों तनुश्री नाना विवाद काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आपने जाना कि किस तरह से 10 साल पहले जब तनुश्री ने नाना पाटेकर को लेकर तमाम तरह की चीजें एलिगेशंस लगाई तब नाना के कुछ बंदे पिता के सामने ही गाड़ी की तोड़फोड़ करने लगे। जिस गाड़ी में तनुश्री बैठी थी उनके पिता बैठे थे। आपने देखा, हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया किस तरह से यहाँ पर तनुश्री के पिता काफी ज्यादा डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहीं पर पिता का कंधे पे तनुश्री ने हाथ रखा, मानो दोनों ही एक दूसरे को सहारा देते हुए भी दिखाई दिए। जैसा कि हर कोई जानता है कि 10 साल एक बार फिर से तनुश्री सामने आई हैं और नाना पाटेकर को लेकर उन्होंने तमाम तरह की एलिगेशंस भी लगाई हैं। तो वहीं आपने जाना कि कौन सी खबर रही नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव पे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।